हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेट सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 30th of December 2018। तो 30 दिसंबर 2018 का न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं। बिफोर वी स्टार्ट दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे जिनके आंसर्स आपको करने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड बाय। एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इनमें से किसने लॉन्च किया? ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन या रेड डेटा बुक। क्वेश्चन नंबर टू इज उन्नत PBW 343 इज अ वैरायटी ऑफ। उन्नत PBW 343 इज अ वैरायटी ऑफ। ऑप्शन आर राइस, मस्टर्ड, वीट या कॉटन। क्वेश्चन नंबर थ्री इज लिस्ट ऑफ नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज ऑन टेरिटरीज। लिस्ट ऑफ नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज ऑन टेरिटरीज या फिर NCCT इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन आर FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक या नन ऑफ द अबव। सो दीज आर द थ्री क्वेश्चन फॉर यू टुडे जिनके आंसर आपको करने हैं। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट। सबसे पहला जो आपको यहाँ पे एक फोटोग्राफ दिख रहा होगा उसमें अपने को मिलेगा मांडवी पोर्ट इज इन गुजरात। दिस इज अ फैक्ट विच यू हैव टू रिमेंबर। तो मांडवी पोर्ट इज इन गुजरात, तो इसको एज इट इज याद रख लीजिए, मांडवी पोर्ट इज इन गुजरात। दिस इज द फर्स्ट फैक्ट टू स्टार्ट द डे, क्योंकि फोटोग्राफ है, कोई न्यूज नहीं है, लेकिन उसके नीचे एक फैक्ट है जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज रिमेंबर मांडवी पोर्ट इज इन गुजरात। तो इट इज हाईलाइटेड ऑल्सो, यू कैन सी इट हेयर, मांडवी पोर्ट इज इन गुजरात। नाउ आर्मी रेस्क्यूज 2500 टूरिस्ट इन सिक्किम। तो इसमें से लगभग 2500 लोगों की जान बचाई आर्मी ने, एंड 300-400 व्हीकल्स वर स्टैंडर्ड इन द हैवी स्नोफॉल रीजन। तो यहां पे दो चीजों का नाम आए हैं, तो लेट मी टेल यू दैट आल्सो। यहां पे न्यूज तो आपने समझ ली कि जान बचाइए, तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इसमें दो पासेस के नाम है, एक नाथुला पास का नाम है, दूसरा सोंगमो लेक या चांगू लेक बोलते हैं इसको, इन दोनों का नाम आया। तो लेट्स रिमेंबर दैट नाथुला पास इज इन सिक्किम, नाथुला पास इज इन सिक्किम, इसको एज इट इज याद रख लीजिए, नाथुला पास इज इन सिक्किम। इसके अलावा एक दो और पास का नाम मैं बता देता हूँ आपको, सेला पास एक याद रखिएगा, SELA, सेला पास इज इन अरुणाचल प्रदेश, सेला पास। ओके, एक और पास है दीफू पास, जो नॉर्थ ईस्ट में ही है दीफू पास, वो सॉरी वो आपके ट्राई जंक्शन में है, जो बर्मा इंडिया का ट्राई जंक्शन है, वहाँ पर आता है दीफू पास। ओके, सो रिमेंबर द नेम ऑफ दीज थ्री एटलीस्ट। फिर इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पासेज हैं, जैसे कि आपका लिपुलेख पास उत्तराखंड में है, ओके, और शिपकीला पास जहाँ से सतलज आपकी एंट्री करती है इंडिया में, ओके, शिपकीला पास। सो ऑल दीज पासेज आर इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया कि इंपॉर्टेंट पासेज ऑफ इंडिया, सो यू कैन सी इट देयर ऑल्सो। दूसरा जो नाम इंपॉर्टेंट था वो था सोमगो लेक, सोमगो लेक या फिर इसको चांगू लेक भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो इन सिक्किम। ओके, तो रिमेंबर दैट सोमगो लेक या फिर चांगू लेक, दिस इज ऑल्सो इन सिक्किम, रिमेंबर दिस नेम एज वेल। तो सोमगो लेक, चांगू लेक ये पहला नाम था, दूसरा नाम आपने देखा कि क्या, नाथुला पास इज इन सिक्किम। तो दीज टू नेम्स केम एंड बोथ आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दीज टू नेम्स। Now let's move to the next news item. It is given here only. Norway goes green in Delhi. अब Norway goes green in Delhi का मतलब क्या है कि जो नॉर्वे की एम्बेसी है, the embassy which is of Norway which is located in New Delhi, it is going green. मतलब it is planning to become India's या फिर Delhi's first green embassy. Okay? तो Delhi की पहली green embassy बनना चाहती है Norway, and for that they have taken certain measures. And ये measures बहुत important है, क्यों important है, क्योंकि जब भी आपको question पूछा जाएगा कि किस तरीके से आप waste treatment कर सकते हैं, या किस तरीके से आप किसी चीज़ को एमिशन लेस बना सकते हो, किस तरीके से आप किसी चीज़ को मतलब और तरीके से क्लीन रख सकते हो, तो उसके ऊपर आप बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, व्हाट थिंग्स हैज़ बीन डन बाय द नॉर्वे एम्बेसी, क्या चीज़ें की गई हैं। द फर्स्ट इज इन हाउस STP। इन हाउस STP का मतलब है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो उन्होंने क्या किया है कि एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लगाया है, और वहीं पे वो सीवेज ट्रीटमेंट जो भी वहाँ का वेस्ट वाटर रहता है उसको ट्रीट करके उसको क्लीन वाटर के रूप में निकालते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ है। ये सेकेंड थिंग विच दे हैव डन इज द सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कोई नहीं फॉलो करता है, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। देखो, वेस्ट जब जनरेट होता है उसके बाद उसको सेग्रीगेट करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द पर्सन हु आर प्रोड्यूसिंग दैट वेस्ट, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज पर्सन टू सेग्रीगेट That waste. क्योंकि अगर सेग्रीगेशन नहीं होगा तो प्रॉपरली हमको पता नहीं रहेगा कि कौन सा प्लास्टिक वेस्ट है, कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, कौन सा ग्लास वेस्ट है, कौन सा वेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, उसका सेग्रीगेशन करना ज़रूरी रहता है। ओके, एंड ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस है। अगर एक बार सेग्रीगेशन नहीं हुआ, अगर आपके द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन पे, अगर पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन पे सेग्रीगेशन नहीं हुआ, तो फिर उसको सेग्रीगेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके, और इसी यही कारण है कि जो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एज वेल। तो जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए थे उसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो प्रोड्यूसर होगा उसको सेग्रीगेट करना भी उसकी
रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसमें जितना भी पैसा लगेगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दिस इज वॉट द नॉर्वे एम्बेसी इज डूइंग। तो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया इन हाउस STP यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, दूसरा मैंने बताया सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। देखो क्या करते हैं, द सेग्रीगेटेड मटेरियल इज देन सोल्ड टू लोकल रिसाइकलिंग कंपनीज। एक बार सेग्रीगेशन हो गया, एक बार अपने को पता चलेगा कि दिस इज द प्लास्टिक वेस्ट, दिस इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो जितना भी बायोडिग्रेडेबल होगा उसको तो अपन ने कंपोस्ट में डाल दिया, उसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे किस फॉर्म में, मैन्योर फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा या जो प्लास्टिक वेस्ट होगा दैट कैन बी रिसाइकल्ड रीयूज्ड। ओके, तो इस तरीके से वो यूज करते हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ये अप्रोच हमको भी फॉलो करनी चाहिए। और ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनका प्लीज यूज करेगा जब मेंस आंसर राइटिंग में आपको केस स्टडी का एग्जांपल देना हो, तो नॉर्वे का एग्जांपल आप दे सकते हैं एम्बेसी का। और जब भी कोई वेस्ट ट्रीटमेंट के ऊपर आया तो ये सारे पॉइंट्स आप जरूर लिखिएगा जो मैंने बताए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अगली जो चीज़ है वो पाकिस्तान ने ये आइडिया दिया है कि वी कैन स्टार्ट विजिट विदाउट वीज़ा इन करतारपुर कॉरिडोर। जो नया करतारपुर कॉरिडोर बन रहा है उसमें पाकिस्तान ने आइडिया दिया है तो ट्रैवल विदाउट वीज़ा। ओके, केवल इंडियन पासपोर्ट आपको रखना ज़रूरी होगा और आप उसके बाद वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं फ्रीली। तो ये इंडिया वाले क्या करेंगे, पहले लिस्ट दे देंगे पाकिस्तान को दैट दीज आर द पर्सनस हु आर कमिंग, फिर उन लोगों के पास बस एक पासपोर्ट होना ज़रूरी है, वीज़ा ज़रूरी नहीं रहेगा। दिस इज़ द आइडिया दैट हैज़ बीन मूटेड। कितना अप्लाई होगा ये अपने को आगे पता चलेगा। ओके, सो लेट्स कम टू द सेकेंड पेज, द प्लास्टिक क्राइसिस। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस पेज में। और लेट्स स्टार्ट दिस, एंड दिस पेज इज ऑन बायो प्लास्टिक्स। ओके, बायो प्लास्टिक्स के लिए ये चीज़ पूछी जा रही है कि क्या ये सोल्यूशंस हैं, इज दिस बायो प्लास्टिक अ सोल्यूशन फॉर द प्लास्टिक क्राइसिस दैट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। जो प्लास्टिक क्राइसिस आप देख रहे हैं, जिस तरह से हमने देखा कि पैसिफिक ग्रेट पैसिफिक गार्बेज, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि माइक्रो प्लास्टिक के कारण किस तरीके से ऑलिव रिडली टर्टल्स और बहुत सारे फ्लोरा फौना जो भी एक्वेटिक मैरीन लाइफ है वो कितनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक। प्लस प्लास्टिक्स जो होते हैं वो डिग्रेडेबल नहीं होते, इस कारण से वो एक तरीके से इकट्ठे रहते हैं एज अ वेस्ट। ओके, दे कैन नॉट बी कंपोस्टेड, दे कैन नॉट बी डिग्रेडेड एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके कारण प्लास्टिक एक मेनस बनता जा रहा है। यूजफुल बहुत है लेकिन एक मेनस बनता जा रहा है। तो उसका सोल्यूशन क्या बायोप्लास्टिक्स में है, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोप्लास्टिक, क्या होता है बायोप्लास्टिक। सो बेसिकली बायोप्लास्टिक इज मेड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स जैसे कि फीड स्टॉक, फूड ग्रेन्स, इन सबसे बनता है बायोप्लास्टिक। ओके, और ये बेसिकली ऐसी चीज़ होती है जो कि बायोडिग्रेडेबल होती है। बायोप्लास्टिक मीन्स इट कैन बी यूज्ड एज अ बायोडिग्रेडेबल एजेंट। इसको इट्स बायोडिग्रेडेबल। ओके, दिस इज व्हाट बायोप्लास्टिक इज। ओके, ऑल्दो क्या होता है कि प्लास्टिक्स को हम जानते हैं कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन बायोप्लास्टिक सिंस दे आर मेड फ्रॉम फूड फीड स्टॉक, फूड ग्रेन्स एंड ऑल दीज थिंग्स, दे आर बायोडिग्रेडेबल। ओके, नाउ अनलाइक द कन्वेंशनल प्लास्टिक्स दीज आइटम्स कैन बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल कंपोस्टिंग फैसिलिटीज़। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं कि बायो जो इसके पहले की प्लास्टिक जो ट्रेडिशनल प्लास्टिक है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द माइक्रोबियल एक्शन, लेकिन जो बायो प्लास्टिक्स हैं दे कैन बी ब्रोकन डाउन बाय द माइक्रोबियल एक्शंस। उनको अगर हम माइक्रोब्स के एक्शन में डाल दें तो वो डिग्रेड हो जाएगी। एंड किन किन चीज़ों से बनती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दे कैन बी मेड फ्रॉम द फीड स्टॉक। पहले तो हमने कहा फीड स्टॉक से बन सकती है, लेकिन PBAT जो पॉलीब्यूटाइलिन एडिपेट ये लिखा हुआ है, तो इस तरीके से भी पेट्रोकेमिकल प्रोसेस से भी बन सकता था। याद रखना कि अगर UPSC आपसे ये पूछता है, आपको ये ऑप्शन देता है कि देखो क्या होता है कि पेट्रोकेमिकल की जो प्रोसेस होती है इससे नॉर्मल ट्रेडिशनल प्लास्टिक बनता है। ओके, तो वहाँ पे UPSC आपको कन्फ्यूज करने के लिए दे कैन गिव यू अ स्टेटमेंट दैट बायोप्लास्टिक्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पेट्रोकेमिकल मेथडोलॉजी। तो वहाँ पे आपको दे सकते हैं कि बिल्कुल प्रोड्यूस हो ही नहीं सकते पेट्रोकेमिकल मेथडोलॉजी से बायोप्लास्टिक्स, लेकिन ये गलत होगा। बायोप्लास्टिक्स भी पेट्रोकेमिकल मेथडोलॉजी से प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो प्लीज़ रिमेंबर दैट। यहाँ पे अगर आपको UPSC कंफ्यूज करता है तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। ओके, एंड फूड रॉ मटेरियल्स भी रहते हैं बायोप्लास्टिक्स के लिए, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखो देयर आर थ्री जनरेशंस ऑफ बायोप्लास्टिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। देयर आर थ्री जनरेशंस ऑफ बायोप्लास्टिक्स। फर्स्ट इज द फर्स्ट जनरेशन फीड स्टॉक, मतलब ये डिपेंड करता है कि क्या चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं बायोप्लास्टिक बनाने के लिए। तो जो फर्स्ट जनरेशन फीड स्टॉक था दैट वॉज सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड इट वॉज मेड फ्रॉम फूड क्रॉप्स लाइक कॉर्न एंड कसावा। ओके, तो कॉर्न और कसावा इन सब जैसे फूड स्टॉक का यूज़ करके जब आप बनाते हो तो वो फर्स्ट जनरेशन फीड स्टॉक कहलाता है, एंड दैट इज़ हाई, द कॉस्ट इज़ वेरी हाई टुडे।
द सेकेंड जनरेशन जो फीड स्टॉक का जो यूज़ किया जाता है वो है ट्रीज एंड ग्रास है, वुडी ट्रीज एंड ग्रास। तो सेकेंड जनरेशन का जो बायोप्लास्टिक है उसको सेकेंड जनरेशन फीड स्टॉक से बनाते हैं, दैट इज मेड फ्रॉम वुडी ट्रीज एंड ग्रास। ओके, वुडी ट्रीज एंड ग्रास, एंड इट इज लाइकली टू बी चीपर। एंड द थर्ड जनरेशन फीड स्टॉक जो होगा वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, एंड सेकेंड भी एक्सपेरिमेंटल में है, थर्ड भी एक्सपेरिमेंटल में है, एंड इट्स मेड फ्रॉम एल्गी। रिमेंबर दीज थ्री स्टेजेस। ये थ्री स्टेजेस के जो बायोप्लास्टिक्स हैं किस पर डिपेंड कर रहा है कि क्या चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, वॉट इज द रॉ मटेरियल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट बायोप्लास्टिक। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें आप क्या यूज़ कर रहे हो, कॉर्न एंड कसावा यूज़ कर रहे हो। जो सेकेंड जनरेशन है उसमें आप क्या यूज़ कर रहे हो, वुडी ट्रीज एंड ग्रास यूज़ कर रहे हो। एंड जो थर्ड जनरेशन है उसमें आप क्या यूज़ कर रहे हो, उसमें आप एल्गी यूज़ कर रहे हो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। अगर आपके ऊपर बायोप्लास्टिक्स के ऊपर लिखने के लिए आता है तो प्लीज़ राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स। और यहाँ पे आपको क्या होगा कि नंबर मिलेंगे, दीज पॉइंट्स विल फेच यू मार्क्स। ओके, तो ये आ सकता है क्वेश्चन कि बायोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ बायोप्लास्टिक्स इन द वर्ल्ड टुडे। तो स्टेटस आपने देख लिया कि फर्स्ट जनरेशन हो चुके हैं प्रोड्यूस, और सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। कॉस्ट पहले वाले की ज़्यादा है, दूसरे वाले की चीपर हो सकती है, थर्ड वाले की भी चीपर हो सकती है। ओके, नाउ कुछ चैलेंजेस हैं जो बायोप्लास्टिक्स में, कुछ चैलेंजेस हैं जो कि आज हैं। द फर्स्ट चैलेंज इज दैट कि अब देखो क्या होता है कि फूड क्रॉप्स का यूज़ किया जाता है। मैं चैलेंजेस आपको ओवरऑल बता देता हूँ, जो लिखा है उससे हटके भी थोड़ा बता देता हूँ कि फर्स्ट चैलेंज ये है कि फूड क्रॉप से बनता है तो इट माइट लीड टू अ फूड क्राइसिस सिचुएशन। अब आपने देखा किस तरीके से कसावा का यूज़ किया जाता है, कॉर्न का यूज़ किया जा रहा है, ओके, एंड ग्रासेस का यूज़ किया जा रहा है, तो एक तरीके से फूड और फॉडर दोनों की कमी हो सकती है इन द फ्यूचर जनरेशन। अगर आप बायोप्लास्टिक्स पर टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पूरा जो फूड क्रॉप्स है उसका डाइवर्जन हो जाए उसका यूज़, और वो आगे जाके एक फूड क्राइसिस की समस्या को शुरू कर दे। ओके, सेकेंड थिंग इज दैट अभी जो उनकी कॉस्ट है वो थ्राइस है, इट्स थ्राइस एज मच एज द नॉर्मल प्लास्टिक जो उनके प्रोडक्ट्स हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल प्लास्टिक बैग खरीदते हो, सपोज अगर वो एक रुपये का आ रहा है, तो अगर आप बायोप्लास्टिक कैरी बैग खरीदोगे तो वो तीन रुपये का आएगा। सो द कॉस्ट ऑफ बायोप्लास्टिक प्रोडक्ट्स इज थ्राइस एज मच एज द ट्रेडिशनल प्लास्टिक। तो ये दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब तक ये चैलेंज रहेगा तब तक उसका यूज़ लोग नहीं करेंगे। नाउ द सेकेंड रोड ब्लॉक, जो दूसरा रोड ब्लॉक है वो ये है कि हमको अगर इनको डिकम्पोज करना है तो हमको वी नीड लार्ज इंडस्ट्रियल कंपोस्टिंग फैसिलिटीज इफ़ वी वांट टू डिकम्पोज ऑल दीज बायोप्लास्टिक। जैसे कि देखो बायोप्लास्टिक्स की जो सबसे बड़ी खूबी है वो क्या है, व्हाट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ बायोप्लास्टिक, इट इज़ दैट इट कैन बी डिग्रेडेड, इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। ओके, लेकिन अगर आप उसको बायोडिग्रेड करना है, आपको उसको कंपोस्ट बनाना है, तो यू विल नीड लार्ज इंडस्ट्रियल कंपोस्टिंग फैसिलिटीज। अगर आपने वो कंपोस्टिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की तो वॉट विल हैपन, दैट वेस्ट विल अल्टीमेटली लैंड ऑन द रोड्स एंड ऑल, अल्टीमेटली होगा भाई, फिर वो रोड में पड़ा रहेगा अगर आप उसको कंपोस्टिंग फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करते। तो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज दैट इज देयर इन द बायोप्लास्टिक्स टूडे। ओके, अगला जो चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि जो PLA पैलेट्स का यूज़ किया जा रहा है, तो जो रॉ मटेरियल्स हैं बायोप्लास्टिक्स के, इंडिया बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्ट करता है। ओके, इंडिया इज़ इम्पोर्टिंग ऑल दिस रॉ मटेरियल्स, तो हम बहुत सारा रॉ मटेरियल्स इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो इसके कारण भी कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल्स हमारे पास है नहीं, हमको बाहर से वो रॉ मटेरियल्स लाने पड़ते हैं। समझ रहे ना, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर प्रोड्यूसिंग अवर ओन बायोप्लास्टिक्स। तो ये सारे चैलेंजेस मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पहला तो फूड क्रॉप्स का डाइवर्जन हो जाएगा तो फूड क्राइसिस शुरू हो सकती है, फॉडर क्राइसिस शुरू हो सकती है। दूसरा मैंने देखा कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। थर्ड हमने देखा कि कंपोस्टिंग फैसिलिटीज़ बड़ी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए बायोडिग्रेडेशन के लिए, अगर वो नहीं प्रोवाइड करते हैं तो फिर से अल्टीमेटली वो वेस्ट एक तरीके से पड़ा ही रहेगा। फोर्थ हमने देखा जो PLA पैलेट्स और जो रॉ मटेरियल्स हैं बायोप्लास्टिक्स के, वो हमको इम्पोर्ट करने पड़ेंगे। ओके, और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ और ये सारी चीज़ें लगेंगी, जिनके कारण उनकी प्राइसेज और ज़्यादा बढ़ेगी। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, दीज आर द चैलेंजेस विच आर देयर। और आगे हम ये होपफुल हैं कि देयर विल बी इनोवेशंस एंड ऑल, आगे जाके हम ये होपफुल हैं कि इनोवेशंस होंगे और तब जाके उनकी प्राइसेस जो है वो डिक्रीज़ होगी, और जब वो प्राइसेस डिक्रीज़ होगी तो हम उसको फिर उसका यूज़ और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो दीज आर द होप्स दैट आर गोइंग ऑन, बिकॉज वर्ल्ड में अभी भी R&D चल रहा है बायोप्लास्टिक्स के ऊपर, अभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चीज़ें हो रही हैं। ओके, एंड कुछ चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए बोली गई कि प्रोवाइड सब्सिडीज फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, लोअर रेट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, लोअर इंपोर्ट ड्यूटीज, ये सारी चीज़ें करने की बात की गई हैं। म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को प्रमोट करने की बात की गई है, बिकॉज दे प्ले अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। अब देखो जो कलेक्शन, वेस्ट कलेक्शन का काम रहता है, जैसे आपने सबने देखा होगा अभी स्वच्छता का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो घरों में कचरा लेने के लिए गाड़ी भी आती है। ओके, घरों में आती है ना कचरा लेने के लिए गाड़ी, तो वो गाड़ी कौन कंट्रोल करता है, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, आपका जो नगर निगम होगा वो कंट्रोल करता है। तो पूरा का पूरा जो वेस्ट कलेक्शन का
प्रोसेस है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कर रहे हैं. दे विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस प्लास्टिक क्राइसिस एज वेल. इसीलिए बहुत ज़्यादा इनके ऊपर इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही हैं जो इस मेनेस से बचाने के लिए थोड़ी मदद कर सकते हैं. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस आर्टिकल. आई होप आपको क्लैरिटी आ गई हो कि बायोप्लास्टिक्स क्या है, उनके 3 generations क्या थे, उनका एडवांटेज क्या है, उनके लिए चैलेंजेस क्या हैं, क्या क्या उनके लिए दिक्कत है. अभी मैंने आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है, तो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी. नाउ इन दिस न्यूज़ आइटम, रशिया एंड टर्की एग्री टू कोऑर्डिनेट इन सीरिया. और यहाँ पे कुर्द्स के ऊपर एक न्यूज़ आई थी बेसिकली, तो मैं बताना चाहता हूँ कुर्द्स क्या है. सो कुर्द्स आर बेसिकली पीपल ऑफ ईरानियन एथनिसिटी हु लिव इन द बॉर्डर्स ऑफ ईरान, इराक, सीरिया एंड टर्की. अब देखो कुर्द्स की क्राइसिस ये है कि कुर्द बोलते हैं जो टर्की का एक पार्ट है उसको कुर्दिस्तान बोलते हैं. जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज है, सपोज पाकिस्तान में चल रहा है जो बलूचिस्तान का एरिया, उसको बोलते हैं कि अलग करने की बात कर रहे हैं. इंडिया में भी बोलते हैं कि इसको अलग कर दो, है ना. उस तरीके से कुर्द्स बोलते हैं कि कुर्दिस्तान को अलग कर दो. ओके, कुर्दिस्तान, दे डिमांड कुर्दिस्तान, और वो टर्की का एक हिस्सा लेने की बात कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस, जो टर्की है दे कंसीडर कुर्द्स एज टेररिस्ट ग्रुप. कुर्द्स को टेररिस्ट ग्रुप मानती है टर्की. ओके, एंड दे एक्ट अगेंस्ट दैट कुर्द्स. एंड लेकिन कुर्द्स ने यूएसए की बहुत ज़्यादा मदद की थी इन फाइटिंग द वॉर अगेंस्ट आईएसआईएस. तो आईएसआईएस की बहुत ज़्यादा जो वॉर चल रही थी उसमें कुर्द्स जो थे वो आईएसआईएस के अगेंस्ट थे. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ये ज़रूर याद रखना कि कौन सी पार्टी किसके फेवर में है. ओके, कौन सी पार्टी आईएसआईएस के फेवर में है, कौन सी पार्टी सीरिया के फेवर में है, कौन सी पार्टी आपकी यूएसए और रशिया के फेवर में. तो ये ज़रूर आपको एक बार मिडिल ईस्ट के ऊपर मैं हो सका तो वीडियो भी बना दूंगा आपको ये सब चीज़ें क्लियर करने के लिए कि कौन सी पार्टी किसके फेवर में है. ओके, और कौन कौन सी पार्टीज एक्चुअली वॉर लड़ रही हैं वहां पे. ओके, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस. आप भी मेरे साथ मूव करिए, लेट्स सी कि और क्या न्यूज आई है. नाउ दिस इज ऑल्सो फोटोग्राफ. यहाँ पे भी एक फोटोग्राफ है, इट्स अ डॉल. ओके, अब ये जो डॉल दिख रही है मैं इसके बारे में बता दूँ, इट्स अ थंजावुर डॉल. ओके, रिमेंबर दैट इट्स अ थंजावुर डॉल. और थंजावुर डॉल जो है ये बेसिक हैंडीक्राफ्ट है एंड इट हैज़ बीन अवॉर्डेड द GI टैग. ओके, तो थंजावुर, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि थंजावुर कहाँ पे है, किस स्टेट में है. ओके, बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. थंजावुर किस स्टेट में आपको बताना है. और थंजावुर डॉल को GI टैग मिला था 2008-2009 में. ओके, तो रिमेंबर दैट 2008-2009 में ये GI टैग दिया गया था. और आपको बताना है कि थंजावुर किस स्टेट में है. GI की बात चली तो लेट मी टेल यू द फैक्ट्स अबाउट GI. इंडिया में जो GI होता है वो कैसे होते हैं, तो इन इंडिया द GI टैग बेसिकली एक एक्ट है. देर इज़ अ एक्ट नोन एज ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है बेसिकली, लेट मी टेल यू व्हाट इज़ अ GI फर्स्ट. GI क्या होता है, किसी एरिया की एक स्पेशलिटी होती है. सपोज कोई एक चीज़ जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला को वेस्ट बंगाल का GI दिया गया है. ओके, तो वेस्ट बंगाल की वो स्पेशलिटी, मतलब उस चीज़ से वेस्ट बंगाल को जाना जाता है. ओके, देर आर सम पेटेंट रूल्स, देर आर सम रूल्स. जैसे कड़कनाथ मुर्गा, ये कड़कनाथ रोस्टर इज अ GI ऑफ मध्य प्रदेश. ओके, मध्य प्रदेश का है कड़कनाथ मुर्गा बोला जाता है, तो दैट इज़ अ GI ऑफ मध्य प्रदेश. इसी तरीके से कांचीपुरम, ये सारी चीज़ें, साड़ियाँ, छन्नापटना टॉयज जो आंध्र प्रदेश के टॉयज थे, छन्नापटना टॉयज. सो ऑल दीज थिंग्स आर द स्पेशलिटी ऑफ अ सर्टेन रीजन और उनको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर बोला जाता है. ओके, मतलब वो कहीं और उस तरीके से नहीं बनाए जाते हैं. तो एक यूनिकनेस होती है जो GI के अंदर, वो एक एरिया से रिलेट की जाती है. नाउ इन इंडिया द GI इज मेंटेन्ड बाय अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, 1999 का एक्ट था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999. नाउ दिस एक्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स. कौन मॉनिटर करता है, कौन कंट्रोल करता है इसको, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स. तो जो डायरेक्टर जनरल, कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स होता है, वही इसको कंट्रोल करता है. ही इज़ ऑल्सो द रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस. रजिस्ट्रार भी वही होता है जो रजिस्ट्रेशन का काम करता है, रजिस्ट्रार वो भी कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स ही होता है. एंड दिस इज़ बेस्ड, दिस होल इंस्टीट्यूशन ऑन, ये जो हेडक्वार्टर ये बेस्ड कहाँ है, चेन्नई बेस्ड है. दिस इज़ बेस्ड इन चेन्नई, तमिलनाडु. ओके, एंड थंजावुर डॉल याद रखेगा, दे गॉट द GI टैग इन 2008-09. ओके, तब उनको GI टैग दिया गया था. नाउ डिमांड्स फॉर ऑटोमोबाइल सेट टू ग्रो इन 2019, दिस इज़ वॉट सियाम इज सेइंग. तो सियाम क्या है, जस्ट फुल फॉर्म याद रखिएगा, सोसाइटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स. सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने बोला है कि जो ऑटोमोबाइल्स के नंबर हैं, जिनकी डिमांड है, वो ज़्यादा बढ़ने वाली है 2019 के बाद. इसका एक चीज़, एक और चीज़ बोली जा रही है कि यहाँ पे एक नाम आया है भारत स्टेज का. नो, भारत स्टेज लेट मी टेल यू क्या होता है. बेसिकली यूरोप में यूरो नॉर्म्स चलते हैं, यूरो स्टैंडर्ड्स चलते हैं, यूरो नॉर्म्स चलते हैं. वो क्या होते हैं, वो
सॉल्यूशन से रिलेटेड होते हैं कि आपका जो इंजन है, आपका जो इंजन डिज़ाइन है व्हीकल का, और जो आप फ्यूल यूज़ कर रहे हो वो कितना ज़्यादा रिफाइंड है, वो कितना कम एमिशन करता है. ओके, सो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ योर इंजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ योर फ्यूल यू आर यूजिंग, द फ्यूल यू आर यूजिंग, इन दोनों के बेसिस पे क्या होता है, इन दोनों के बेसिस पे स्टैंडर्ड नॉर्म्स सेट किए जाते हैं. तो यूरोप में ये नॉर्म्स थे जिनको कि इंडिया में रेप्लिकेट किया गया, और इंडिया में जो नाम दिया गया वो भारत स्टेज बोला गया. ओके, तो करंटली वी आर इन भारत स्टेज 4 नॉर्म्स. तो अभी हम भारत स्टेज 4 में हैं, और इनका रजिस्ट्रेशन जो था वो अप्रैल में, लास्ट ईयर आपने न्यूज़ सुनी होगी कि अप्रैल में रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है. ओके, भारत स्टेज 3 की व्हीकल्स का, एंड उसके बाद हम भारत स्टेज 4 में मूव कर गए हैं. नाउ आवर इंडस्ट्रीज आर सेट टू मूव टू भारत स्टेज 6. हम डायरेक्टली भारत स्टेज 6 में मूव करने की बात कर रहे हैं फ्रॉम अप्रैल 2020. तो दिस इज अ फैक्ट विच यू नीड टू रिमेंबर कि अप्रैल 2020 2020 में हमको भारत स्टेज 6 नॉर्म्स में मूव करना है. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर. इसके लिए बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, चाहे वो इंजन डिजाइन में हो, चाहे वो फ्यूल डिजाइन में, क्योंकि आपको अपग्रेड करना पड़ेगा ना. यू हैव टू अपग्रेड द इंजन, यू हैव टू अपग्रेड द फ्यूल यू आर यूजिंग. ओके, सो फॉर दीज थिंग्स वी नीड इनोवेशन, वी नीड टेक्नोलॉजी, वी नीड अ लॉट ऑफ मनी. सो ये एक रीजन है, ये एक चैलेंज है जिसको कि ओवरकम करना है. दिस इज अ थिंग, ये रेगुलेटरी इशू है जिसको कि ओवरकम करना है. ना यहाँ पे जो ये न्यूज़ आइटम है, व्हेन शिपिंग इंडस्ट्री सेट सेल ऑन स्मूथ सीज, तो यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है शिपिंग इंडस्ट्री की, जो जितना भी चीज़ें हमने जो डेवलपमेंट किया थ्रू आउट द ईयर, इस साल हमने क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं शिपिंग इंडस्ट्री में, उसके बारे में. तो बहुत सारी चीज़ें, इसमें से पहली चीज़ है सागरमाला प्रोजेक्ट. सागरमाला प्रोग्राम की बात की जा रही है इसमें. सागरमाला प्रोग्राम इज बेसिकली पोर्टलेट डेवलपमेंट की बात की जाती है. सागरमाला में क्या होता है कि देखो, इंडिया वी आर यूजिंग रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट. बेसिकली हम रोड और रेल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन वो गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि जो फ्रीट का ट्रैवल होता है दैट इज़ द चीपेस्ट इन केस ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटरवेज में वो सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ता है, और इसका यूज़ जो है वो चाइना और USA ऐसी जो डेवलप्ड कंट्रीज है बहुत ज़्यादा करती हैं वाटरवेज का. बट इंडिया में वाटरवेज इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, एंड फॉर दैट रीज़न वी नीड टू अपग्रेड द वाटरवेज. हमको अपने वाटरवेज को अपग्रेड करने की ज़रूरत है. उसी के कारण ये सागरमाला प्रोग्राम स्टार्ट किया गया. एंड सागरमाला प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं एक एक करके बताता हूँ. दिस इज विकीपीडिया पेज ऑफ सागरमाला. सो पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पहले तो पोर्ट मॉडर्नाइजेशन की बात की जाती है सागरमाला में. दूसरा, कनेक्टिविटी इन्हेंसमेंट की बात की जाती है. एंड दीज आर द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, 245 प्रोजेक्ट्स हैं पोर्ट मॉडर्नाइजेशन के. कनेक्टिविटी इन्हेंसमेंट की बात की, मैंने कनेक्टिविटी रहे हर पोर्ट की, फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर, इंटर पोर्ट, इंट्रा पोर्ट कनेक्टिविटी, ये सारी कनेक्टिविटी की बात की जाएगी. देन पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो आपके कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स हैं, कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स को डेवलप करने की बात की जाएगी, उनके पोर्टलेट डेवलपमेंट की बात की जाएगी. देन उसी के साथ कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट की भी बात की जाती है. मतलब कोस्टल जो कम्युनिटी है, जो लोग फिशरमैन, जो ये सारे लोग रह रहे हैं, इनको भी नुकसान ना पहुंचे, इस कारण से कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट की भी बात की जाती है. सो दीज आर द थिंग्स विच आर अंडर द सागरमाला प्रोग्राम. आई होप आपको क्लैरिटी अब आ गई होगी. तो उसमें हमको एक अचीवमेंट मिला कि वी कंप्लीटेड नियरली 89 प्रोजेक्ट्स अंडर सागरमाला. ओके, एंड ये शिपिंग मिनिस्ट्री है वो कोऑर्डिनेट कर रही है. देन देयर इज अ प्रोजेक्ट उन्नति. प्रोजेक्ट उन्नति भी आपको लिखा दिख रहा होगा. अंडर प्रोजेक्ट उन्नति, ग्लोबल बेंचमार्क्स वर अडॉप्टेड टू इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स फॉर 12 मेजर पोर्ट्स. तो जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं उनके की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए जो प्रोजेक्ट था वो था उन्नति. तो उन्नति प्रोजेक्ट याद रखिएगा, ये पोर्ट्स से रिलेटेड है. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो आपका पूछा जा सकता है. देन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं. लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जितनी है वो अभी 14% है हमारे, 14% GDP का 14% लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंडिया में है. और वो चीज़ देखिए, जापान में केवल 10% है, USA में 9.5% है, जर्मनी में 8% है. तो कितना कम वहाँ पे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, और जितना कम आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होगा उतना ही कम आपके प्रोडक्ट्स की प्राइजेस रहेगी, तो ज़्यादा बिकेंगे. अब देखो, जब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ती है तो प्रोडक्ट की प्राइजेस भी बढ़ जाती है. सपोज सिंपल सी बात है, अगर ट्रांसपोर्टेशन में किसी को 100 रुपये लग रहे हैं 100 रुपये के आर्टिकल में, तो वो 200 रुपये का बेचेगा ना यार, वो अपना लॉस तो नहीं होने देगा, तो 210 रुपये का बेचेगा, क्योंकि 10 रुपये प्रॉफिट भी चाहिए उसको. तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी चीज़ की प्राइस 100 रुपये थी और उसको ट्रांसपोर्ट करने में 100 रुपये लग रहे हैं, तो ही विल सेल दैट प्रोडक्ट इन 210 रुपीज़, ताकि 10 रुपये का प्रॉफिट मिले. अब USA में सपोज वो कॉस्ट कम है, USA में 100 की जगह केवल 50 रुपये लग रहे हैं, तो 100 का प्रोडक्ट है 50 रुपीज़ लॉजिस्टिक्स में लग रहे हैं ट्रांसपोर्ट में, और केवल 10 रुपये उनको प्रॉफिट चाहिए, तो 160 का बेचेगा. तो 160 के सामने 210 तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना, 210 विल नॉट बी एबल टू कम्पीट. तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ने का ये नुकसान रहता है कि आपके प्रोडक्ट्स की प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उस कारण से फिर आपको नुकसान होने लगता है. यू आर नॉट इन द कॉम्पिटिशन, आप कॉम्पिटिशन में नहीं रह जाते हो. सो दीज आर द थिंग्स.
और सिक्स नई न्यू पोर्ट लोकेशंस की बात भी की गई है बाय दिस मिनिस्ट्री। एक है वंधावन महाराष्ट्र में, इनायम तमिलनाडु में, ताजपुर जो वेस्ट बंगाल में रहेगा, पारादीप आउटर हार्बर उड़ीसा में, सिरकाझी तमिलनाडु में, एंड बेलेकेरी कर्नाटका में। तो ये नए पोर्ट्स की लोकेशन याद रखेगा, ये नए हैं, नाम याद रखेगा, वाधवन महाराष्ट्र में, इनायम तमिलनाडु, ताजपुर वेस्ट बंगाल, पारादीप आउटर हार्बर उड़ीसा, सिरकाझी तमिलनाडु एंड बेलेकेरी कर्नाटका। तो ये नाम याद रखेगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स, ये पूछे जा सकते हैं, याद रखेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। ट्रेड वॉर्स कॉस्ट यूएस एंड चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर इन 2018। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, यूएस और चाइना की बात है कि जो ट्रेड वॉर चल रहे थे। आप सबको पता है ट्रेड वॉर कैसे होते हैं, ट्रेड वॉर बेसिकली इस तरह से किया जाता है कि इस एक कंट्री ने टैरिफ लगाए, सपोज सम टैरिफ्स आर इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री भी रिटेलिएशन में सेम चीज़ करने लगी, दूसरी कंट्री ने भी यही किया, उसने भी उसके ऊपर टैरिफ लगा दिए। तो एक कंट्री दूसरे कंट्री पर टैरिफ लगाते जा रही थी, उनके प्राइजेस बढ़ते जा रहे थे, यहाँ पर उनकी बिक्री कम होती जा रही थी। सो जब उनकी सेल कम हो गई, उनका प्रोडक्शन कम हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हुआ। तो इंडिया जो यूएसए और चाइना थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा लॉस हुए, बिलियंस ऑफ लगभग 2.5 बिलियन डॉलर कितना ज़्यादा लॉस हुआ इन सारी चीज़ों का। तो उस पर अपन ज़्यादा घुसेंगे नहीं कि दोनों कंट्रीज़ के लॉसेस की बात है, हमको ये तो पता ही कि लॉस होंगे ही होंगे। ओके, सो वी नो दैट थिंग, विल नॉट एंटर इन टू द डिटेल। नाउ ये याद रखेगा, ये नाम याद रखेगा, चाइनीज साइंटिस्ट हु शॉक्ड द वर्ल्ड बाय क्लेमिंग दैट ही हैड क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली एडिटेड बेबीज। ये नाम जरूर याद रखेगा, पूछ सकता है एग्जामिनेशन में कि किस साइंटिस्ट ने बनाया है वर्ल्ड का पहला जेनेटिकली एडिटेड बेबीज। तो नाम याद रखेगा, हे जियानकुई इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली एडिटेड बेबी। और जेनेटिकली एडिटेड बेबी जो है ये बेसिकली एथिकली रॉन्ग है, ऐसा कहना है बहुत सारा एक ग्रुप है, एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहती है कि ये एथिकली रॉन्ग है, मोरली करप्ट चीज़ है कि आप बेबीज़ में इस तरह की चीज़ें, जो डिज़ाइनर बेबीज़ हैं, आप उनको इस तरह से नहीं क्रिएट कर सकते। बेसिकली दिस इज़ वॉट हैज़ बिन सेड, एंड उसी कारण से काफ़ी ज़्यादा इसको इनकी मोरल पुलिसिंग और इन सब चीज़ों के कारण इनको अंडर वॉच रखा जा रहा है, ही इज़ बिन कैप्ट अंडर वॉच। तो रिमेंबर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, हे जियानकुई इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली एडिटेड बेबी। ओके, सो रिमेंबर दिस नेम एंड इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो। ओके, नाउ देर इज़ अ नेम ऑफ अ बुक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ओबामाज़ फेवरेट बुक एंड द नेम ऑफ द बुक इज़ बिकमिंग एंड इट हैज़ बिन रिटन बाय मिशेल ओबामा। ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर द नेम ऑफ दिस बुक ऑल्सो, बिकमिंग इज़ अ बुक बाय मिशेल ओबामा, इट हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ बुक्स विच फीचर्ड मल्टीपल वर्क्स बाय वुमेन एंड ऑथर्स ऑफ कलर। सो रिमेंबर दैट इट इज़ द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय मिशेल ओबामा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, बिकमिंग याद रखिएगा। बिकमिंग बुक किसने लिखी है, मिशेल ओबामा ने लिखी है। ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस नेम एज वेल। नौ, गैलापागोस आइलैंड का नाम आया था, गैलापागोस आइलैंड हैज़ बैंड द फायरवर्क्स। तो गैलापागोस आइलैंड याद रखिएगा, इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इट बिलोंग्स टू इक्वाडोर। ओके, इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट इज़ लोकेटेड इन इक्वाडोर, गैलापागोस आइलैंड, और इसने अभी रिसेंटली क्या किया, फायरवर्क्स को बैन किया है। ओके, फॉर कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ओके, फौना के कंजर्वेशन के लिए बेसिकली इन्होंने फायरवर्क्स को बैन किया है। कहाँ लोकेटेड है ये, इक्वाडोर में लोकेटेड है गैलापागोस आइलैंड, एंड फायरवर्क्स इन्होंने बैन किया है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। द चिगाम नेशनल पार्क का नाम आया था, तो लेट मी टेल यू दैट दचिगाम नेशनल पार्क इज इन जम्मू एंड कश्मीर, वेयर इट इज लोकेटेड, जम्मू एंड कश्मीर। कल मैंने आपको हंगुल के बारे में बताया था। ओके, इफ यू रिमेंबर, यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट द हंगुल। नाउ लुइस रड हैज़ फिनिश्ड द सोलो ट्रैक अक्रॉस अंटार्कटिका। तो लुइस रड हैज़ बिकेम द सेकेंड पर्सन टू क्रॉस अंटार्कटिका सोलो। सोलो मतलब अकेले, ऐसा नहीं कि इसके पहले लोगों ने क्रॉस नहीं किया, बट सोलो अकेले क्रॉस किया है, अनअसिस्टेड क्रॉस किया, मतलब किसी असिस्टेंस के बिना क्रॉस किया है। ही इज द सेकेंड पर्सन टू डू सो। पहला आदमी कौन था, कॉलिन ओ ब्रैडी वॉज फ्रॉम पोर्टलैंड, ही हैज़ बिकेम द फर्स्ट पर्सन, दो दिन पहले ही बने थे वो। कॉलिन ओ ब्रैडी फर्स्ट पर्सन टू क्रॉस द अंटार्कटिका सोलो, सेकंड पर्सन टू क्रॉस द अंटार्कटिका सोलो इज लुइस रड। ओके, एंड लुइस रड के बारे में एक और फैक्ट याद रखिएगा, ही इज़ द ओनली पर्सन टू कंप्लीट द टू ट्रेवर्सेज ऑफ अंटार्कटिका। पहले वो टीम के साथ आए थे, इस बार वो सोलो आए हैं, तो इसलिए इनके दो ट्रेवर्सेज हैं। इज द ओनली पर्सन टू कंप्लीट द टू ट्रेवर्सेज टू अंटार्कटिका, बट ही इज़ द सेकंड पर्सन टू कंप्लीट इट सोलो। ओके, और कॉलिन ओ ब्रैडी जो थे वो नंबर वन थे, और इसके बाद अपने ये कौन है, लुइस रड। ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर दैट ही हैज़ फिनिश द सोलो ट्रैक अक्रॉस अंटार्कटिका। सो आई होप यू लाइक आवर वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। दैट इज इट फॉर द डे, वी विल बैक अगेन विद अनदर वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।